जय माँ हम लोग भारतीय संस्कृति को रामायण महाभारत इन कथाओं के माध्यम से एक्सप्लोर कर रहे हैं और वैसे ही कथाएं प्रचलित हैं भारत के जनमानस में हैं उनकी बहुत टीका टिप्पणियाँ भी हैं अवेलेबल हैं सब कुछ हैं और इंटरनेट पे जाएंगे तो सब वो सब है कि भारतीय संस्कृति क्या थी व्यवस्था क्या थी किताबें भी हैं सनातन धर्म पे बुकलेट है बट आई डोंट वांट टू टेक दैट रूट मैं उन बिंदुओं को ढूंढ रहा हूँ या उनको प्रस्तुत करने की चेष्टा है जो नहीं है क्योंकि बाकी सब वही बात होगी घिसी पिटी अच्छी हैं सुंदर बातें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल और उसको कंटेक्स्ट हमारे आज के जीवन में वो कैसे काम आएगी एक छोटी सी चीज़ है हम लोग उपनिषद में पढ़ते हैं सत्य में विजय थे नान रितम सत्य निपंथा अवित देवयाना है ना सत्य की विजय होती है रामायण में भी हम इस तरह से कि देखो अंततः सत्य की विजय होती है तो अब आज के समय में जब हम जीवन देखते हैं तो हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं कैसे विजय होती है रामायण में क्या कैसे ये बताया गया है जीवन इतना सिंपल नहीं है कि एक तरफ राम है एक तरफ रावण है आपने विजय प्राप्त कर ली ये लीगल सत्य की बात नहीं हो रही है कि कोर्ट केस में मेरी विजय हो गई प्रमोशन मेरा ड्यू था मुझे चाहिए था और दूसरे व्यक्ति ने मेरे कंधे पे पाँव रख के चढ़ गया तो कहाँ है सत्य की विजय लोग ऐसा अक्सर कहते हैं तो देखिए सत्य का जो गुणतम व्हाट इज ट्रुथ जिसकी बात हो रही है यहां पे तो इसका एक बस उदाहरण हम दे रहे हैं बहुत सारे उदाहरण हैं रावण पर भी सत्य की विजय होती है लेकिन रावण का सत्य क्या है जो कल बात हो रही थी रावण का मूल सत्य है कि भक्ता ऑफ द लॉट है ना इसका अगर कहानी में हम देखें कहानी में यह कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है रावण का मूल सत्य है कि वह श्री हरि का भक्त है और वो डेविएट करके जीवन कहां कहां चला आता है और अंततः वापस वो भक्त बन जाता है श्री हरि का तो सत्य की विजय केवल ये नहीं है जिसको हम कहते हैं बुराई पर अच्छाई ये जो मॉडर्न कंसेप्शंस हैं वो ज्यादातर एक क्रिश्चियन थॉट का इंफ्लुएंस है भारतवर्ष ने बुरा और अच्छा को दो भाग में बांट के नहीं देखा किंतु एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से देखा हर रावण के अंदर राम छिपे हैं अब देखिए क्लीशे क्या होगा हर राम के अंदर रावण छिपे नो no. क्यों राम आप तभी बनते हो जब अपने अंदर के रावणत्व पे विजय प्राप्त करते हो अब इसको शेरविंद बड़े सुंदर ढंग से गीता में जब जो चैप्टर है ना सोलवा अध्याय बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है देवासुरी संपदा तो श्री जब उसको बड़ा सुंदर उनके तो हर चीज सुंदर हम सुंदर हम सुंदर सुंदर हम है तो वो कहते हैं कि जब हम देवासुरी संपदा पढ़ते हैं तो हमको यह नहीं मानना चाहिए कि कुछ देवता हैं कुछ असुर हैं और मनुष्य की नेचुरल वृत्ति क्या होती है खुद को वो देवता समझता है जो इसको पसंद नहीं करता उसको असुर समझता है और इस प्रकार से कितना कंफ्यूजन होता है जीवन में <laughs> तो शीरविंद कहते हैं कि मैन स्टार्टरियर एज एन असुर असुर कौन है जो अज्ञान में पूरी तरह धसा हुआ है हम सबकी यात्रा वहीं से शुरू होती है सावित्री पूरी एपिक स्टार्ट फ्रॉम दैट फेदमलेस नाइट तो हम सबकी यात्रा कहां से शुरू होती है महाअंधकार से जो पहले अपने अंदर से कुछ कुछ चीज़ें निकालता है उसमें राक्षस भी निकलता है असुर भी निकलता है फिर बाय कन्वर्शन ही बिकम्स से देव प्रारंभ वहाँ से होता है इसीलिए जो इंडियन थॉट है उसमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कई बार हम उसको ओवर सिंप्लीफाई करने के चक्कर में उसका कंटेक्स लूज कर जाते हैं क्योंकि अगर कुछ देव हैं कुछ असुर हैं असुर को मर जाना है तो उसका खास रेलिवेंस नहीं रह जाता और अक्सर लोग कहते नहीं फिर कंपैशन क्या है तो कंपेशन ये है कि आ, कई बार शरीर की भी देह की मृत्यु उद्धार भी होती है क्योंकि अंदर में असुरत तो पूरी तरह वो रिलीज हो जाता है और आने वाले समय में जो बात हुई कि साइकिल्स टाइम का जो नोशन है हमारे यहाँ वो एक साइकिलिक मोशन है और फॉरवर्ड मोशन है टाइम का इवोल्यूशन की पूरी अंडरस्टैंडिंग है भारतवर्ष में हम रामायण महाभारत को एक इवोल्यूशनरी टेल के रूप में देख सकते हैं तो इवोल्यूशन भारतवर्ष में कैसे एक तो फॉर्म का इवोल्यूशन भी है और फॉर्म और फॉर्म के साथ साथ कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन और ये स्टोरी बड़े ब्यूटीफुल ढंग से कही गई है और ये हम सब के जीवन में एक हर समय लागू होती है तो फॉर्म्स का इवोल्यूशन तो दशावतार की कथा है कि एक पॉइंट तक ह्यूमन पॉइंट तक आने तक फॉर्म ट्रांसम्यूट होता है और उसके साथ ही एक नई संभावना प्रकट होती है और वो सीक्वेंस बड़ी ऑब्वियस है फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मत्स्य अवतार एनिमल ऑफ द वाटर फिर कुरमा अवतार या कश्यप अवतार वाटर एंड लैंड वरा अवतार ऑन द लैंड नर्सिंग अवतार हाफ एनिमल हाफ ह्यूमन वामन अवतार डॉआार्फ मैन अब इसके बाद आप देखें कि पूरी ह्यूमन लेवल पे इवोल्यूशन हो अब ये क्या हो रहा है यहां चेतना का अतिक्रमण हो रहा है फॉर्म नहीं चेंज कर रहा है चेतना चेंज कर रही है क्योंकि ह्यूमन बीइंग के साथ एक नई संभावना आ जाती है आप सेम फॉर्म में इवोल्यूशन चलता रहेगा अब इससे क्या चीज निकलती है जिस चीज को हम आंख मूंद के देखना नहीं चाहते कि ह्यूमन बींग्स स्ट्रेटिफाइड हैं आप माने या ना माने चाहें या ना चाहें इवोल्यूशन के कारण स्टेटिफिकेशन होता है स्टेटिफिकेशन से इसको पेजोरेटिवली नहीं देखना चाहिए कि अरे ये ऊंचा है ये बड़ा है? नहीं क्योंकि वो प्रोसेस है इवोल्यूशन की जो आज कम चेतना में जी रहा है जो केवल देह चिन्ह में है प्राण चिन्ह में वो कल रीबर्थ के प्रोसेस से गुजर के वो मन में अवेक होगा फिर वो स्पिरिचुअल में अवेक होगा और जो आज स्पिरिचुअली अवेक है वो इस प्रोसेस से गुजर चुका है तो यहाँ हम स्टैटिक एक वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है स्टैटिक वर्ल्ड व्यू है और वो क्यों आया है स्टैटिक वर्ल्ड व्यू भगवान ने छह दिन क्रिएट कर दिया फिर सातवें दिन विश्राम किया अब ये वर्ल्ड स्टैटिक है स्टैटिक वर्ल्ड है मतलब अब वो जैसा है वैसा है लेकिन भारत भारतवर्ष में जो वर्ल्ड व्यू है वो स्टैटिक नहीं है चीजें बदल रही हैं ये एक बड़ा सत्य है लेकिन बदलाव के साथ साथ उनका एक स्टेबल बेसिस भी है ब्राह्मण तो बदलेंगी लेकिन उसका बेस ये है तो बदलेंगी लेकिन किस दिशा में जा रही हैं ब्रह्म की तरफ जा रही हैं ब्राह्मण में समाई हुई हैं। आई प्रेफर द वर्ड ईश्वर बट एनी सो ये जो इवोल्यूशनरी वर्ल्ड व्यू है ह्यूमन बींग्स के आने के बाद ये इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है अब रामायण में इसका कई जगहों पे एक उल्लेख है फॉर इंस्टेंस सब लोग सुना हुआ है परशुराम संवाद और धनुष यज्ञ होता है इत्यादि इत्यादि अब परशुराम कौन है अवतार है राम जी कौन है वो भी अवतार है अवतार अवतार में लड़ाई कैसी परशुराम एक अवतार है जो बहुत ही उग्र अवतार है हालांकि उनकी उग्रता जो अनजस्ट है अनफेयर है जो डार्क है जो एरोगेंट क्षत्रिय हैं क्षत्रिय एक इवोल्यूशन की प्रोसेस में आते हैं लेकिन वो बहुत मदोन मदोन्मत्त हो जाते हैं तो उनका विनाश ये करते हैं इक्कीस बार कर देते हैं अब परशुराम का अगर आप व्यक्तित्व तो देखो तो इस डिफरेंट काइंड ऑफ पावर फिर राम आते हैं परशुराम के बाद तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी मतलब वो जो संवाद होता है दोनों के बीच में परशुराम उग्र होते जाते हैं और उग्र उनको कौन करा रहे लक्ष्मण भैया एक पॉइंट पर वो कहते हैं श्री राम को कि तुम बड़े सीधे हो आई लाइक यू क्योंकि परशुराम उग्र हैं उनको तो वही पसंद आएगा जो उनके सामने चुपचाप खड़ा है आई लाइक यू लेकिन तुम्हारा भाई है ना ये ज्यादा ही उछलता है फिर एक समय बड़े क्रोध में करे अब मैं नहीं रुकने वाला हूं ठीक है तुम्हें देख करके मैं चुप था लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन बचा नहीं है उठाया फर्सा पर जैसी परंपरा थी युद्ध के लिए ललकारा वॉट हैपन्स नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग श्री राम कहते हैं कि परशुराम जी ये भूल मत करिएगा क्या भूल हो गई आप हमको युद्ध के लिए मत ललकारिएगा क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं युद्ध के लिए अगर ललकारेंगे तो हम तो मृत्यु से भी जूझने लगेंगे और मृत्यु भी फिर घबरा जाएगी हम मृत्यु से भी पीछे नहीं हटते अब वो जब ये श्रीराम का ये रूप देखते हैं कि ये तो जो सीधा साधा व्यक्तित्व तो इसके अंदर सौम्यता के पीछे जो तेज छिपा है तब वो रेस्ट इज हिस्ट्री कि वो कहते हैं कि मेरा ध्येय पूरा हो गया अब ध्येय क्या था इनका ही वॉज प्योरिफाइंग द क्षत्रिय एरोगेंस से तो एल फिनिश उनका मेथड अलग था जब वो पहले ऐसे क्षत्रिय को मिलते हैं जो प्योरिफाइड है श्री राम स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो पौरुष में मैं श्री राम हूं लेकिन पूरी तरह मर्यादित है शक्ति है बल है सब है लेकिन पूरी तरह मर्यादित है तो जब वो इस तरह से देखते हैं कि हियर इज समन हु इज स्ट्रांग कैपेबल माइटी बट इज वाइज हाउ टू रिस्ट्रेन श्री राम जी की जो बात है ना मर्यादा पुरुषोत्तम हर तरफ लेकिन वो उसको मर्यादित करते हैं प्रेम अतिशय मर्यादित ज्ञान अतिशय मर्यादित उतना कहेंगे जितना आवश्यक है शक्ति बल अपार लेकिन मर्यादित तो जब ये देखते हैं कि नाउ माय पर्पस इज ओवर फिर वो कहते हैं कि मैं क्या करूं फरसे का और फरसे को फेंकते हैं वहां से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि केरला निकलता है कुछ का मानना है कि वो विशाखापटनम के पास गिरा उसमें आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट वो मान्यता हैं लेकिन मुख्य चीज ये है कि परशुराम टू राम इज एन इवोल्यूशनरी जर्नी अब इसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में कैसे ले आए है? होते हैं लोग जिनके अंदर बहुत उग्र प्राण होता है क्रोध स्वभाव का होता है लेकिन वो जस्टिस के लिए लड़ना चाहते हैं देखिए डिफरेंस ना हो मैं तो लड़ूंगा मारूंगा कुटाई करूंगा आप उनको गलत सही के मापदंड में नहीं देखिए आप उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्रयास कीजिए नेक्स्ट लेवल क्या है ये नहीं कि तुम्हारी बात गलत है राम जी भी करते हैं संघार करते हैं राक्षसों का लेकिन मर्यादित ये अनब्रिडल्ड वाइटल इज नॉट गुड आप इवोल्यूशन ही खत्म कर दोगे हर चीज का अपना एक प्रोसेस है तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में इसके अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स राम में कई जगह रामायण में कई जगह पर इवोल्यूशनरी टेल है परंतु सबसे अधिक हम लोग केवल इंडिविजुअल इवोल्यूशन में नहीं विश्वास करते हैं हम कलेक्टिव इवोल्यूशन में भी विश्वास करते हैं वेदांत ने इंडिविजुअल इवोल्यूशन को पकड़ा कैसे पकड़ा फॉर्म के थ्रू वेदांत तंत्र में भी है सुना होगा ना हमने चौरासी लख जोनी पार करके मानव देह मिलती है अब लोग बड़े सुन सुन के ऊँगते हैं फिर मानव देह से पशु कर्म कर। <laughs> बड़ी प्रफाउंड ट्रूथ है कि कॉन्शियसनेस इवॉल्व करती करती ह्यूमन स्टेट में आती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है चौरासी लाख या चौरासी लाख पंद्रह है ये इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि उस नंबर से भी वन कैन प्ले बट दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी ह्यूमन कॉन्स अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस में यू कैन इवॉल्व फर्दर विदाउट द चेंज ऑफ फॉर्म ये यही बात इसमें भी है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर एक नई पॉसिबिलिटी आ गई है क्या पॉसिबिलिटी आ गई है जो पशु में नहीं है कि आप अपने क्रिएटर से एक हो सकते हो यू कैन ज्वाइन विद योर क्रिएटर जस्ट इमेजिन इसलिए अब इसको रिलीजियस ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो कई बार लोग बोर हो जाते हैं ये क्या फिर घूम फिर के आप यही कह रहे हो कि नर्तन पाया पाप कमाया बोझा लेके चला गया ये सब ठीक है वो एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है लेकिन ये मतलब ये है कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन कॉन्शसनेस में एक पॉसिबिलिटी है कि वो वो स्वयं का अतिक्रमण कर सके इसीलिए सेल्फ ट्रांसेंडेंस। जब इब्राहिम माइसलो बोलता है तो लोग बड़ा अरे देखो थ्योरी बट वी हैव ए फार मोर कंप्लीट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ह्यूमन so, कॉन्शियसनेस में स्वयं को अतिक्रमण करने की कभी कभी आपने ह्यूमन और एनिमल के डिफरेंसेस पढ़े होंगे हम सब ने है ना हैव यू एवर दिस ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ गोइंग बियॉन्ड दम एंड देर इज नो लिमिट टू दैट दिस इज इंडिया ये है भारतीय संस्कृति मतलब क्या है ये प्रगतिशील संस्कृति है विकसनशील संस्कृति है उसके बहुत उदाहरण मैं दे सकता हूँ बट आई जस्टिक राइट नाउ फर्स्ट टू रामायण तो ये प्रगति दोनों लेवल पर होती है इंडिविजुअल लेवल और कलेक्टिव लेवल रामायण उस आ, समय की बात है जब सामूहिक जीवन इंडिविजुअल्स अलग हैं लेकिन सामूहिक जीवन जैसे अभी भी इंडिविजुअल्स है है हैं जो हमेशा स्परिचुअल रहें डार्क एजेस में भी रहें भारतवर्ष में तो रहे हैं उनके कुछ अनुयायी ही भी रहे हैं लेकिन सामूहिक जीवन वैसा नहीं था सामूहिक जीवन अलग था तो सामूहिक जीवन जब ट्रांजिट करता है एक प्रकार की कॉन्शियसनेस से दूसरे प्रकार की कॉन्शियसनेस में आप देखिए रामायण को इवोल्यूशनरी टेल के रूप में देखिए बाली और सुग्रीव हैं कौन है वानर है वानर कौन है शेयरविंद बताते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में पशु फिर वानर वानर एक ह्यूमनॉइड एक टाइप है इफ यू वांट टू पुट इट लाइक दैट प्रोटोटाइप ह्यूमन वॉन्ट टू पुट इट लाइक दैट अब लोग कहते तो टेल कैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये कैसे हमारी टेल गायब हुई है नो बडी नो बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज की अभी भी शरीर में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर टेल के अवशेष हैं कॉक्सिक्स पांच वर्टिब्रफ यूज हैं सो शोज दैट इट इज नॉट ए वेरी एंशियंट फिनोमिना टेल थी और वो धीरे धीरे करके विलुप्त हुई है टेल so, थी पर ह्यूमनऑइट थे फीचर्स में आ, अलग तरह की वाइटैलिटी थी ऑब्वियसली ह्यूमन से ज्यादा वाइटैलिटी थी उसके अंदर अब नेक्स्ट लेवल क्या होना है ह्यूमन आना है बीच में कौन कौन है राक्षस ससुर पिशाच ये सारे स्टेप्स हैं तो श्री राम क्या करते हैं एक इवोल्यूशनरी बूस्ट देते हैं तो इवोल्यूशन कैसे होगा एक और दो प्रकार के वानर हैं एक है जिसको वाली रिप्रेजेंट करते हैं दूसरा जिसको सुग्रीव रिप्रेजेंट करते हैं अब कोई कहेगा ये तो है नहीं एक्चुअल जब आप इवोल्यूशन का पढ़ेंगे तो अफ्रीका में जब ये प्रारंभ हुआ था एप टू ह्यूमन ट्रांजिशन तो उसको जो भी अंडरस्टैंडिंग है नो बड़ी सीन इट दैट वे तो उस समय अफ्रीका में जहाँ पे ये वानर रहते थे वानर नहीं कहते हैं ये लोग तो एप्स अंडरस्टैंड ऑल दीज सब कैटेगरीज तो वहां पे एक प्रकार का अकाल पड़ने लगा ट्रीज कम होने लगे तो अब क्या करें तो एक जो एप टाइप था जो माइटी था उसने कहा कोई बात नहीं है वी आर स्ट्रांग वी आर माइटी मतलब उसके अंदर इंस्टिंगटिवली वो कहीं नहीं गया उसका अपने ऊपर बहुत भरोसा था किया क्या इसने जो थोड़े सब टाइप के थे ना उनको निकालना शुरू कर दिया खदेड़ना कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यू आर द वीकर टाइप थ्रोन प्रकृति का प्लान कुछ और था <laughs> ये जो माइग्रेट कर गए दे सरवाइवड लिटिल लेस देन ओरिजिनल माइटीएस्ट एप्स और खत्म कौन हो गए ये जो वहां पर रह गए इन द श्योरिटी ऑफ देर मा य इज अ ट्रू स्टोरी अब रामायण इसी स्टोरी अलग ढंग से बता रही है। वाली, है, अरेप है।, थोड़ा काम है वाली क्या करता है निकाल देता है किशक से अब डिटेल स्टोरी के वो अलग बात है और ये कहते श्री राम तुमने अधर्म किया वो कहते न, आपने मुझे क्यों मारा आप तो मेरे साथ संधि कर लेते मैं तो माता सीता को लाना था ना आई आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट श्री राम कहते हैं मेरा ये पर्पज केवल नहीं है धर्म को मैं स्थापित करने आया हूँ योर टाइप विल बी ए नॉट द नेक्स्ट इवोल्यूशनरी टाइप ये भाषा नहीं कहते हैं पर वो ये कहते हैं कि रावण ने जो किया है वही कुकृत तुमने किया है और तुम्हारी सहायता लूंगा तो मैं माता सीता को तो छुड़ा लूंगा लेकिन उस कुकृत्य को अधर्म को जस्टिफाई करूंगा ये उनकी लॉजिक है तो आई विल नॉट टेक योर हेल्प संधि नहीं करते हैं और सुग्रीव जो आउटकास्ट है वो संधि करता है और वो इवोल्यूशन की प्रोसेस में जुड़ जाता है फिर हनुमान आते हैं देन द होल स्टोरी टेक्स ए डिफरेंट टर्न ऑल टूगेदर आज के समय में क्या है अब देखिए ऐसे मनुष्य हैं जो स्वयं को मोस्ट पावरफुल समझते हैं अब जिस भी कारण से समझते हैं तो उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला कि संसार में पॉपुलेशन बढ़ रही है प्रॉब्लम्स बढ़ रही है तो so, सोल्यूशन क्या निकाला कि अगर पॉपुलेशन की लार्ज हिस्सा एक्सटर्मिनेट हो जाए हैव यू हर्ड दिस थ्योरी इट्स नॉट ए थ्योरी पिक्चर आई थी ये बेस्ड ऑन सर्टेन एक्चुअली ये डीप डीप स्टेट के बारे में अगर आप लोग पढ़ोगे उसमें कोरोना वैक्सीन और क्या क्या आने वाली चीजें हैं कॉस्पिरेसी थ्योरी तो एक बहुत व्यापक टर्म हो जाता है कॉस्पिरेसी थ्योरी थोड़ा लेकिन ये एक थी कि इफ लार्ज सेक्शंस ऑफ ये डॉक्यूमेंटेड कन्वर्सेशन है तो वो कि एक लार्जर सेक्शन जो कमजोर है उनको खत्म हो जाने दो भारे धरती के ऊपर बोझ है बट डिवाइन प्लान इज अदरवाइज माता जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही अपने मैसेज में आज से इक्यावन साल पहले मैन कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स दिटिव ट्रूथ और अब आज के कंटेक्सट में अगर हम देखें सब और डूम्सडे होगा ये होगा प्रलय होगी फला ढिमका ये राष्ट्र माइटी है वो डिस्ट्रॉय कर देगा कोई पुतिन के बारे में पूछ रहे देखो रामायण पढ़ो <laughs> जो ट्रुथ से जुड़ा है उसकी जीत होगी और वो कौन सा ट्रूथ है आपके अंदर का जो ट्रूथ है डिवाइन ट्रूथ उससे बड़ा कोई ट्रूथ नहीं है यही मां संकेत दे रही है यही रामायण में संकेत है कौन बचा अब वो कहानी है कहानी कर। कहानी मतलब मिथ नहीं है रियल स्टोरी है पर वो रिप्रेजेंटेटिव है श्री राम कौन है वो डिवाइन के रिप्रेजेंटेटिव है डिवाइन सोल है माता सीता कौन है अर्थ नेचर है पृथ्वी से उनका जन्म हुआ है भूमि जाए अर्थ नेचर डिवाइन सोल से मिलना चाहती है और अगर उनका मिलन हो जाए तो यह धरती में राम राज्य आएगा पूरा क्लू दे दिया हम लोगों को राम राज्य इज नॉट ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इट्स ए वे ऑफ बीइंग ह्यूमन इवोल्यूशन से कनेक्टेड है तो ये आई जस्ट कम टू दैट अब वो माता सीता इज अर्थ नेचर एंड राम बीच में कौन खड़ा है अर्थ नेचर को कैप्चर किसने किया हुआ है राक्षसी राक्षस और असुर ने लेट गो कहता है मैं नहीं ये तो अर्थ नेचर हम है ना ओरिजिनल यहां के बासी तुम कहां से आ गए हमको तुम ह्यूमेनाइज करोगे नो वे तो वो अपहरण कर लेता है अब जब वो अपहरण कर लेता है तो अब

जो बहुत क्लियरली सिंबॉलिक स्टोरी है क्योंकि रामायण में ये सारी चीजें मिली हैं वी कम टू दैट इन ए मोमेंट अग्नि से गुजर के आप फिजिकली नहीं मतलब फिजिकल लॉ इज फिजिकल लॉ यू कैंट सर्वाइव फिजिकली बट फायरअप प्योरिफिकेशन देन यू मीट देन राम एंड सीता मीट टूगेदर लेकिन समाज अभी भी तैयार नहीं है क्यों तैयारी नहीं है समाज की समाज ये कह रहा है कि भाई देखो प्रकृति पे तो असुर ही बैठा है उसका ही छाप है ये तो शुद्ध हो नहीं सकती देयर फॉर राम एंड सीता हैव टू सेपरेट। माता सीता आश्रम में बड़ी होती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग टेल है वाल्मीकि जी की आश्रम में वाल्मीकि कई बार लोग कहते हैं कि रामायण का प्रूफ क्या मैं कहता हूं कभी कोई किताब जिस ऑथर जो समकालीन है उसने ये हिस्ट्री लिखी है

अब तुम बोलो कि नहीं वो अब ये अलग बात है बट इन हिस्ट्री द फर्स्ट प्रूफ इज फर्स्ट पर्सन रिकॉर्ड फर्स्ट पर्सन से भी ज्यादा रिकॉर्ड है ये वो व्यक्ति जो रामायण केवल अपने अंतर दर्शन में नहीं देख रहा है त्रिकालदर्शी में बट वो उसमें पात्र हैं माता सीता वहां ग्रो करती हैं एंड देन अब इसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं बिकॉज आई नीड एज आई सेट पूरा एक हफ्ता रामायण की ए, एस्पेक्ट पर लेकिन अल्टीमेटली वो भूमि में वापस चली जाती हैं राम सरयू में चले जाते हैं वट डज इट इंडिकेट इनकम्प्लीट मिशन दिस इज मिशन इम्पॉसिबल पार्ट वन फिर मिशन इम्पॉसिबल पार्ट टू आता है कृष्ण जी आते हैं माँ राधा ने पृथ्वी की व्यथा को एम्बॉडी किया है आनंद में है पर दे के नॉट मीट अगेन मिशन इम्पॉसिबल पार्ट टू फिर आता है सिहाते आते हैं श्री अरविंद सीमा मिशन इम्पॉसिबल पार्ट थ्री ये एक्चुअली माँ कहती हैं कि आई एम एम्बॉडीड द अर्थ नेचर यू रीड हर स्टोरी प्रेयर्स उसमें वो कहती हैं कि वेन दिस आई दैट आस्ट एन इंडिविजुअल आई बट द आई ऑफ द अर्थ कौन है भूमि जा भूमि से आइडेंटिफाई माता सीता आई आई एम नॉट सेइंग माता सीता बिकेम डिवाइन मदर आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट बट बेसिकली सावित्री क्या है सेम अर्थ नेचर के कि डिवाइन कॉन्शियसनेस से यूनियन जिसके कारण उसकी लॉ चेंज हो जाए लॉ ऑफ डेथ गोज अवे कल बात हो रही थी ना लॉ ऑफ डेथ कैसे बदलेगी ऐसे बदलेगी एल्केमी होती है ना कि अगर कोई ऐसा तत्व हो जो इमोर्टल हो अगर आपको मिल जाए और उसके स्पर्श से संपर्क से ये चीज उस तत्व में बदल जाए तो वो चेंज हो जाएगी तो अविनाशी अक्षर अक्षय कौन है डिवाइन कॉन्शियसनेस यदि मैटर उससे घुल मिल जाए और वो प्रॉपर्टी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस की वो इसके अंदर ट्रांसमिट हो जाए तो क्या होगा मैटर या ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन दैट मैटर विल बिकम इंग So, इस चीज को एकदम अगर आप ऐसे इवोल्यूशनरी टेल के रूप में देखें तो बड़ी क्लियर आ जाएगी ये स्टोरी फिर ये शंकाएं जो हम आज के मॉडर्न कंटेक्स से रेस करते हैं ऐसे नहीं है ये कहानी एंड्योर कर रही है कहीं हमारे डीपर सेंस को ये चीज समझ आती है और वो इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन कलेक्टिव है रावण का टाइप का इवोल्यूशन एक लंबे समय जरूरी था बट नाउ ही हैज टू गिव वे शी अरविंद इसको अपनी एक पोयम है महात्मा महात्मा नहीं सॉरी राक्षस उसमें कैप्चर करते हैं इसी सत्य को कि श्री कृष्ण से अत्री कहते हैं कि धरती पर अभी यह राक्ष असुर तो बहुत कोराम मचा रहा है तो अब क्या करना चाहिए तो श्री कृष्ण पूछते हैं विद्यार्थी मिनिस्टर्स ना कि वट डू यू सजेस्ट तो कहते हैं कि इसको तो मरना चाहिए जाना चाहिए ही मस्ट गिव वे इससे अभी नहीं क्योंकि एक सहस्त्र वर्ष लगे हैं टू इवॉल्व द असुर आउट ऑफ द राक्षस राक्षस कौन है वो केवल एक वाइटल उससे जीता है मार डालो कूट डालो असुर कौन है वो उसका इंटेलेक्चुअल साइड है अब इंटेलेक्ट डेवलप हुआ पर अभी भी वो राक्षस के अधीन है तो कहते इट एज टेकन ए होल एन टू इवॉल्व दसुर आउट ऑफ द राक्षस इट विल टेक एन इन टू इवॉल्व द एनिमल एंड द ह्यूमन आउट ऑफ दसुर द सिंप्लिसिटी ऑफ द एनिमल लाइफ एंड द्यूमन तो वो फिर वो बताते हैं जो रेस्ट इज हिस्ट्री की वो प्रे करते हैं और ब्रह्मा जी वरदान देते हैं क्या वरदान देते हैं देखिए क्या खेल है भगवान का वो माँ सरस्वती बैठ जाती है वो कहते हैं इमोर्टेलिटी कहते हैं आई कैनॉट गिव दैट अच्छा मैं मनुष्य से नहीं मारू और वानर इससे नहीं मरू अब ये क्यों मांगा उन्होंने ही जस्ट उस समय ऐसे पोट्रे कि भाई एरोगेंटली कि इनसे मुझे क्या रिस्क है बट देखा जाए तो ये रिस्क है वाली से भी रिस्क था और राजा जनक से भी उसके अंदर उसको ये था कि ये मिथिला और अयोध्या ये बहुत ये तीन मेन जो वहाँ पे राज्य थे किंगडम्स थी एक तो वानर की किंगडम थी जो किशकिधा में थी और मगध था और मिथिला थी नहीं मिथिला थी और अयोध्या थी तो अयोध्या से ये डरते थे रावण चाहता था पूरी कॉन्क्वेस्ट करना क्यों डरते थे अयोध्या से क्योंकि उसका नाम ही देखिए अयोध्या जिसको कभी विजय नहीं पा सकते आप क्यों वो अयोध्या थी वो पूरा डिस्क्रिप्शन है रामायण में कि हाउ यू कैन मेक अ सिटी इन वलनरेबल इट वॉज नॉट ए सिटी इट वॉज किंगडम अयोध्या अब जो अयोध्या है उसका कैपिटल है बट ऑल अराउंड इट वॉज अ किंगडम और वो किंगडम इनवल्नरेबल मानी गई थी सूर्यवंशी राजाओं ने सुरक्षित किया था और वो कैसे वो इनवल्नरेबल थी बिकॉज दे वेर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन इन वोकिंग द डिवाइन पावर्स और वो धर्मनिष्ठ राजा थे तो उनके किंगडम को क्योंकि केवल विजिबल फोर्सेस नहीं अटैक करती हैं इन इज ऑलवेज अराउंड अस उनसे भी वो सुरक्षित थे कि ये फोर्सेस जो इंस्पायर करती ह्यूमन बींग को मारने के लिए या वैसे भी अटैक करती हैं दुर्भिक्ष पड़ जाता है नेचुरल कैलॉमिटीज होती हैं ये सबसे वो सुरक्षित थी क्यों क्योंकि वो कॉस्मिक फोर्सेस को कैसे ट्यून करना है कैसे उनको अपने तरफ ले आना है ये वो जानते थे इवन रिसेंटली इन सूर्य टेंपल टेम्पल की टॉक में आई बीन टू अनंतनाग आई मेंशन मैंशन दिस और यही चीज आप देखें कि अब कश्मीरी पंडितों का देखिए कंटेक्स्टुअल है ये आपको हर समय अप्लाई करेगी अब क्या था जो कश्मीरी पंडितों का क्यों उनका इतना नरसंहार हुआ अब देखिए उनको एक विरासत में जो मिला था ना इट इज द रिचेस्ट थिंग एवर एनी बडी रिसीव्ड वैष्णव संप्रदाय शैव संप्रदाय शक्ति वेदांत के भिन्न भिन्न अंग बौद्ध क्रिश्चियनिटी क्राइस्ट केम देयर देअर जूस मोजेस केम देयर ये सब मतलब इस पर पूरी रिसर्च हुई है जीजस लिव्ड इन इंडिया इफ यू रीड तंत्र शक्तिपीठ वो विरासत इतनी बड़ी थी कि उसको संभालने के लिए यू नीड टू बी स्ट्रांग मेयर पांडित्य काफी नहीं है तो आए इसीलिए उसको अटैक भी किया गया सारी ये जो आक्रांत था तो अब इसका प्रैक्टिकल लेवल पे क्या सॉल्यूशन है क्या क्या मतलब क्या करना चाहिए हाउ हाउ टू इट इन अवर लाइफ मैं इसके बहुत सारे डिटेल हैं जिसमें नहीं जा रहा हूं अब किसी राष्ट्र को अगर सुरक्षित होना हो सर राष्ट्र बहुत बड़ी बात है हम व्यक्ति कर व्यक्ति को अगर सुरक्षित होना हो तो कैसे देखते थे हमारे वेदिकाल में वो कहते थे देर इज द विजिबल आपका बाहुबली पॉलिटिशियन आपके उस पर है पॉलिटिशियन को डर लगता है मुझे तो कोई कुछ नहीं कर सकता मैं इनवलबल ले हूं लेकिन ऑलवेज देर आर मैनी फोर्सेज अराउंड मैनी लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस ये मेटीरियल वर्ल्ड सीधा ऐसे नहीं हुआ गॉड सेड लेट देर बी अर्थ एंड देर वॉज अर्थ और मेटीरियल वर्ल्ड दैट इज फुलिश टू प्रिज्यूम कोई भी चीज को जब आप बना रहे तो डिवाइन कॉन्शियसनेस का जब वर्णन होता है गीता में है ना वो दर्शन है समड़ी में रिमेम्बर है ना um, कोटि विष्णु कोटि महेश um, और कितना सूर्य याद है किसी को असंख्य सूर्य का तेज अब क्या लगता है उस सूर्य के तेज से अचानक पृथ्वी निकल आई है मेटीरियल वर्ल्ड वो स्वयं को आत्म गोपन करती हुई हाइड करती हुई एक लेयर कपड़ा बांधा मान लो नहीं नहीं अभी भी दूसरा लेयर बांधा तीसरा लेयर बांधा चौथा लेयर बांधा बांधते बांधते थिकेस्ट लेयर बांध दिया कि अब ये लाइट अब वो लाइट तो वही है वो तो इम्पेरिशेबल है लेकिन वो वह बन गई मेटीरियल वर्ल्ड मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर क्या छिपा है वही परम तेज कोई साइंटिफिक एविडेंस है हाँ हर चीज का एक सांकेतिक एविडेंस होता है अर्थ के कोर में क्या है वही सूर्य है अर्थ बनी कैसे सूर्य से ही निकली ना कैसे उसकी प्रोग्रेसिव कूलिंग हुई तो प्लैनेट्स निकले तो अर्थ का ओरिजिन क्या है सूर्य है और वही सूर्य की जो एक्सेसिव हीट है क्रस्ट कूल cool करता है कोर इज वेरी हॉट मतलब मोल्टेन आयरन है वह जो सूर्य धरती के गर्भ में छिपा है वो प्रतीक किसका है मारतंड का द सन दट इज हिडन इन द कोर ऑफ डार्कनेस अब देखिए इससे पूरा श्री अरविंद का योग निकल के आता है क्योंकि वो अल्टीमेटली तो वही ओरिजिन है वो प्रेस करेगा ना अंदर से तो इवोल्यूशन की प्रोसेस ये है कि वो प्रेस करता है एक लेयर गिर जाता है एक लेयर गिरता है तो थोड़ी इग्नोरेंस कम होती है एक नई संभावना प्रकट होती है ऐसे करते करते लेयर बाई लेयर गिरते हैं और इसी कारण योग साधना में मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ एक एक लेयर का गिरना कैन बी ए होल सब्जेक्ट तो अब इसीलिए योग साधना एक बिना धैर्य के बिना पेशेंस के नहीं हो सकती जो लोग केवल एक टेक्निक ढूंढ रहे हैं कि मैं कर लूं ऐसे मेडिटेशन और भगवान मिल जाएंगे समथिंग विल विल अपीयर एंड इट फूल यू ना हमारी आंखें तैयार हैं अर्जुन को तो शिक्षित स्वयं कहते हैं कहते हैं अरे कौन हो आप कहते हैं अच्छा यू नॉट सी मी नॉट इवन विथ सटल विजन यू कैन सी एक तो है विजन फिर एक सूक्ष्म आई जो विजन देखती है उससे भी नहीं देख सकता तो श्रीकृष्ण कहते हैं थर्ड लेयर ऑफ विजन विजन है डिवाइन दिव्य दृष्टि और वह मैं तुझे अभी टेम्परली प्रदान कर रहा हूं <laughs> क्योंकि यू आर द चोजन इंस्ट्रूमेंट बाद में उसको ले लेते हैं बिकॉज ही कैनॉट कंटेन जब वो डिवाइन विजन से देखता है संसार को तो क्या देखता है कि और कुछ है ही नहीं सारा का सारा वो बस एक का खेला है तो वो घबरा जाता है वो कहते हैं ना कि उसके आ, हाथ पांव कांपने वो कहते हैं कि नहीं प्लीज डाइल्यूट वो जो आपका फॉर्म है ना चतुर्भुज वाला वही ले आओ आप वापस आई कॉन्ट होल्ड दिस फॉर्म तो अब इसको अगर आप रिलीजन से हटा करके देखें मतलब रिलीजन रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग तो इट इज सो इंटरेस्टिंग इट एक्सप्लेन द होल इवोल्यूशनरी प्रोसेस साधना लंबी क्यों चलती है उसमें क्या क्वालिटी चाहिए एक क्वालिटी अगर कोई पूछे क्या चाहिए तो वह है धैर्य इसीलिए उपनिषद कहते हैं तमात्मा ये धीरा धीर श्री राम का वर्णन क्या है धीर वीर गंभीर तो ये जो धैर्य है ये कौन सिखाता है हमको स्कूल ऑफ लाइफ जीवन में कठिनाई आ रही है आप चाहो या ना चाहो आपको धीरज भरना ही करना ही पड़ता है इसी पर है ना मन रे तो काहे ना धीरे धरे तो ये धैर्य जो है ये एक, एक ऐसी क्वालिटी है जो डेवलप होती है और जैसे जैसे ये डेवलप होती है तो वास्तव में ये जो पीड़ा कष्ट चैलेंजेस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं ताकि हम तैयार हों उस ग्रैंड विजन के लिए क्योंकि अगर ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी और वो अचानक भगवान प्रकट हो गए तो हम तो खत्म हो जाएंगे अर्जुन जैसा वीर जो नर नारायण जो लाइफ आफ्टर लाइफ यर्स तो जो अधीर होते अरे भगवान क्यों नहीं दिखते कोई क्विक शॉट दे दो और इस कारण क्या हुआ मशरूमिंग हो गई है दुकानों की अब वेस्ट में तो यही है हॉट ही होगा सुना होगा आपने यू नो वॉट इज हॉट ही होगा एव यू एनी बडी हर्ट वो भी एक इंडियन ने शुरू किया कुछ नहीं यही आसन वसन कर रहे हो लेकिन फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हाँ, जिसे आपको खूब पसीना आएगा उसे नाम रख दिया हॉट योगा होगा अब लोगों को अच्छा लगता है क्यों पीपल डोंट नो व्हाट इज ओरिजिनल डायमंड अरे हाँ ये चमक हर च, कहते ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती तो अरे यार क्या है ये तो क्या यही डायमंड है कैसे पहचानेंगे बाकी पहचान भूल जाइए आप दाम पूछ लीजिए तो वो कहेगा कि सर ऐसे तो दस हजार का है हम आपको चार हजार में दे देंगे मान के रख लो ये डायमंड नहीं डायमंड की वो पूछ भी नहीं है ना फर्स्ट टाइम बेन आई बॉट ए मोती की माला और समवन एंड आई थॉट आई एम वेरी स्मार्ट छ सौ रुपए में माला मिल गई फिर मैंने पूछा मेरे दिमाग में प्रश्न चलता रहा मैंने किसी से पूछा कोई मुझे बता नहीं पाता था कोई राइस पल्स ये वो मैंने कहा नहीं मुझे मोती का दाम बताओ एक्चुअल एक मोती ये तो बड़ी ओशन से निकलता है ना तो एक मोती के मिल गए मुझे अब वो कहते हैं जिन खो तीन पाहियाँ तो मिल गए तब उन्होंने बताया कि ये जो रियल पर्ल है वो तो बड़ा रेयर है तो कितना दाम होता है कहते हैं एक एक मोती कैन गो इन फ्यू लैक्स एक तो ये सस्ता वाला जो योग होता है ना एक टेक्निक सिखा देंगे मेथड सिखा देंगे तो भगवान भी माइंड के फैब्रिकेटेड भगवान दैट्स नॉट वॉट शेयरविंद दैट्स नॉट वट गीता वांट्स अस टू अंडरटेक वो जर्नी है पूरी वो क्रिएशन वो वाला भगवान नहीं वो एक जर्नी है जिसके थ्रू व्यक्ति जा रहा है तो ये इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है जिसके थ्रू लेयर बाय लेयर गिरता है ये मेटीरियल वर्ल्ड जो है इसके अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस छिपी हुई है माता सीता भूमिजा हैं डिवाइन मदर वो मेटीरियल फॉर्म लेके आती हैं फैसिलिटेट करने के लिए डिवाइन स्वयं मानव रूप धारण करके आते हैं टू एटलीस्ट मेक वन लेयर मैटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन ताकि थोड़ा वो तैयार हो थोड़ा रिसेप्टिव हो इस दृष्टि से हम देखेंगे तो सब कुछ अलग नजर आता है और कंटेक्चुअल हो जाता है क्या हो रहा है हमारे जीवन में इवोल्यूशन मोस्ट हैपनिंग थिंग तो जीवन में कष्ट आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं मैंने कोई पाप किया था कोई पंडित इसको ठीक कर देगा कोई राहु दशा ठीक कर दो आप चिंता मत करो राहु ठीक करोगे वहां केतु बैठा हुआ है केतु के बाद अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बाय दी वे आई एम जस्ट टेकिंग लोग कहते हैं राहु दशा उसके लिए करते हैं आपने पता नहीं यू हैव एवर एनकाउंटर्ड आई हैव एनकाउंटर्ड पीपल हु डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स फॉर राहू और खींचते खींचते दो ढाई साल के बाद वो कहते हैं कि फाइनली राहुल लेफ्ट में वैसे ही वो दो ढाई साल के बाद छोड़ देता है और <laughs> इन्फिनेटली नहीं रहता है शनि की भी साढ़े सात ही होती है आप इंड्योर कर लोगे तो बहुत कुछ सीखोगे क्योंकि शनि इज़ द गॉड ऑफ न्याय तो आपने जितने कुकर्म किए हैं उसको वो ठीक कर रहा है बेसिकली दैट गाय इज रियली नॉट ए बैड गाय वो क्या कर रहा है भैया तुमने बहुत कुछ किया अब मैं इसको शॉर्ट आउट करता हूँ तू इससे जब निकल जाएगा ना तो तू कुंदन हो जाएगा अब इससे क्या लेसन मिलता है अगर कोई तकलीफ आती है ना इफ यू एंड्योर इट एंड गो थ्रू यू फील प्योरिफाइड आपके अंदर कोई चीज़ बड़ी शुद्ध होकर निकलती है इज इन ट्रू एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू इट हमारे यहाँ इसको एक ये कहानी केवल नहीं है शनि की दशा ये सब होती है लेकिन उसका डीपर सेंस तेल चढ़ा दो नहीं गो थ्रू इट विथ फेथ इन द इन गॉड एंड यू विल सी व्हेन यू कम आउट एटलीस्ट समथिंग इन यू हैज गॉड प्योरिफाइड तो अब जीवन में कठिनाई आ रही है तो हम क्या करें आप मिल लीजिए जितने साइकेट्रिस्ट दुनिया के और दोस्त हैं सब अपनी अपनी एडवाइस देंगे अरे उसने ये तेरे साथ क्या कोर्ट केस कर दे ये अच्छा वो दूसरा व्यक्ति कोर्ट केस को नहीं तो वो कहेगा कि आप राहुकाल को संतुष्ट कर लो ऐसे सी सलाह देंगे पहाड़ पे चले जाए घूमने ये कर दे पर कौन चीज है जो उसको सॉर्ट आउट कर सकती इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन जिसके लिए सबसे बड़ी शक्ति जो सहायक है इस द डिवाइन इंपल्सन इसीलिए कहा गया कि अंत में जयंत घूम के कहाँ आता है चरणों में आता है द डे यू लर्न टू सरेंडर टू द डिवाइन सी दैट थिंग्स बिगिन टू चेंज जो जो जरूरी है आप ये नहीं कि कल मै मेरेकिल हो गया नॉट लाइक दैट बट वो प्रोसेस क्या थी बाहर की चीज चेंज हो रही है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं आपके अंदर में परिवर्तन प्रारंभ होता है यू चेंज इन साइड जो चीज को आप एक तरह से वैल्यू कर रहे थे आप दूसरी तरह से वैल्यू करने लगते हो तो यही प्रोसेस है इवोल्यूशन की पर अगर कोई कह दे कि भाई आपकी कठिनाई है अब कई बार लोग मुझसे भी कहते हैं कि एज ए साइकेट्रिस्ट क्या एडवाइस में कहता हूँ अगर मैं पूछो उत्तम एडवाइस तो तो यही है माता जी का नाम लो पर लोग कहेंगे कहाँ से पता नहीं कहाँ से डिग्री इसने हासिल कर ली रिलीजियस <laughs> इंस्टीट्यूट <religious institute> से <laughs> अभी तो डाउट डौ, डौ, करने लगते हैं डॉक्टर है सच में कि नहीं पूछते हैं अब मुझे भी ही लगता था जब आश्रम में शुरू शुरू में कुछ लोगों से मिलता था तो मुझे याद है डिस्टिंक्टली छोटे नारायण जी की बात तो एक दिन कई लोग बैठे थे और मैं भी बैठा था बड़े अच्छा उनका एक आ, मित्रवत साथ में संबंध था तो कोई बात चल रही थी कुछ और पे आई जस्ट ए दृष्टा जस्ट एब्जॉर्विंग थिंग्स तो उनसे किसी ने कुछ कहा कि ये तकलीफ होते कहते हैं भैया माता जी का नाम लो और फिर उन्होंने बताया कि मेरे से कोई कोई किस कोई था प्रॉब्लम मैंने माता जी का नाम लो सुझाया था और कैसे वो प्रॉब्लम उसकी ठीक हुई और वो कर्मधारा में निकला भी है तो मैं कर्मधारा में पढ़ा वो आर्टिकल देखा हाँ ऐसे हुआ था अब मुझे ये बात समझ ना आए कि ये सब लोग बोलते हैं, माता जी का नाम लो कुछ तो आपको भी करना है तो करना तो है ये भी है कि वो मैकेनिकल वो चीज़ नहीं है लेकिन माता जी के नाम की शक्ति आज अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या है तो मैं तो यही कहूंगा माता जी का नाम लो आपको <laughs> और जो जो करना है वो करना है आई एम नॉट सी टर्न इट इंटू अ कल्ट बट माता जी का नाम लो इट्स इस ग्रेट पावर शेयरविन दिखते हैं एक लेटर में द डिवाइन नेम हैज ग्रेट पावर इन इट डिवाइन नेम अब अभिये लास्ट मिस्ट्री देन प्रॉबली महाभारत आई डोंट नो आई थिंक वी वी कैन स्टिल जस्ट पासिंगली टच अपॉन अब ये देखिए ये भी बड़ी मिस्ट्री है वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण को लिखा अब कब लिखा उन्होंने राम तो उस समय जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं मैं किस पर मेडिटेट करूं ध्यान नहीं लगेगा ना ध्यान के लिए आपको कोई सहारा चाहिए तो किसका सहारा लेते हैं नाम और रूप का सहारा लेते हैं इमेज और नेम नाम और रूप को तो माया बताया गया छलना डिवाइन तो क्या करते हैं नाम और रूप के दायरे में आ जाते हैं अब देखिए आप वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स इज इनवेटेड बाई द टच ऑफ द डिवाइन अब जब वो नाम और रूप धारण करते हैं तो वह नाम अपने आप में नाम और रूप के पर्याप को ले जाता है ही एंटर इसराई का पीएचडी सुपर पीएचडी क्या कहेंगे बहुत बड़ा टीचर वो आ गया आपको पढ़ाने कहाँ आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में हैं अब वो तो अपने को ले आया आपके लेवल पर लेकिन आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो वो आपको अपने जैसा बना देगा पोटेंशियल उसमें यही है क्योंकि वो तो ये सब कर चुका है ही इस कम विद इन दिस रैलम तो नाम और रूप के अंदर तभी क्या कहते हैं उनको जो ऋषि थे आई एम नॉट द नेम बिकॉज मैंने अलग अलग नाम सुने एक जगह मैंने नारद मुनि सुना है बचपन में सनत कुमार पढ़ा है तो आई एम नॉट टेकिंग द नेम बट ऋषि तो वो कहते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो ये नहीं कहते हैं कि ये नाम ले लो या मंत्र कहते हैं इस युग के लिए इस काल के लिए राम का नाम ही सबसे उत्तम है तो वो राम का नाम लेते हैं अब हर युग में डिवाइन युग अनुकूल एक फॉर्म लेते हैं और नाम धारण करते हैं और वह फॉर्म और नाम उस युग के अनुकूल होता है कृष्ण 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 कहे द्रौपदी पुकारी है ना वो बड़ा सुंदर सा पद है एनीवेज। <laughs> तो उसके बाद अब इस युग में नेक्स्ट स्टेप तो शेरविंद कहते हैं कॉल द मदर। her name. और इंटरेस्टिंगली श्री अरविंद कई लोग सोचते थे कि श्री ऑनरिफिक है श्री कह दिया आपने आप जनरली पढ़ेंगे नहीं श्री अरविंद के साथ केवल श्री अरविंद है महर्षि महायोगी कुछ लोग ऐसे add कर देते हैं बट Arvind अरविंद हिमसेल्फ सेट Arvind प्लेन एंड सिंपल इज फाइन और श्यरविंदो दोनों ही नाम ठीक हैं क्योंकि देवबोध तो लोग जब श्री हटाके की इट्स ओके okay. ऐसे भी लोग थे आश्रम में जो कहते थे एजी और अबिंदो घोष वहां से एजी तो एक दिन किसी ने जया देवी थी कहा जाता है कि वह माँ यशोदा की ही रि इनकारनेशन थी उनको श्री कृष्ण का विजन भी आया था उन्होंने कहा था श्री अरविंद से उन्हीं की एक कहानी है कि जब वो एक दिन कहती हैं श्री अरविंद को अगले जन्म मुझे औरत मत बनाना क्यों अरे आपको क्या पता है आप तो यहाँ बैठे हुए हो कितनी कठिन कष्ट होता है एक औरत को मैं कैसे आई हूं आपको मालूम भी है इससे पैसे मांगो उससे मांगो उसके बाद मैं रामेश्वरम बोल के आई पांडिचेरी तो कोई आने नहीं देता तो पहले श्री अरविंद कहते हैं कि तो तुमको रामेश्वरम जाना नहीं है कहती अब जब साक्षात लिविंग रामेश्वर को मैंने देख लिया तो मैं क्यों जाऊं तो हंसते हैं श्री अरविंद फिर वो कहती, लेकिन वो याद रखना मुझे नेक्स्ट लाइफ में ना औरत नहीं बनना है तो श्री अरविंद कहते हैं हंस के डोंट यू वरी मैं युग को ही बदल रहा हूं आने वाले समय में ये समस्या नहीं होगी अभी तो उल्टा होने वाला है <laughs> आदमी कहेगा मैं चला जाऊं थोड़े दिन चले जाओ हर घंटे पर मैसेज करना मैं देखूंगी व्हाट्सएप पर तुम कितने बजे थे और आदमी बेचारा परेशान हो गए नहीं नहीं ठीक है भाई तो मेरे व्हाट्सएप का एडिक्शन करा रही हो आई एक्सेप्ट वर्डिक्ट अब जो बदमाश हैं वो तो फिर वो कंसील्ड वो टाइम हटा उठा के करते हैं पर जो शरीफ है वो कहते हैं ठीक है अच्छी बात है इससे मेरे व्हाट्सएप का जो एडिक्शन है खत्म हो जाएगा इट्स नाइस nice. <laughs> तो ये युग को बदलते हैं तो जब एजी की बात जिया देवी ने कही तो ये बात मां को पता चली शी ने केवल इतना कहा ओह इज इट एंड दे मां को पता चली अगले दिन आश्रम में नोटिस बोर्ड पर नोटिस आया श्री और बिंदो फुल नेम ईजिंदो इट हैज ए मांत्रिक पावर इन इट ये उनका योग के उसमें उनका नाम है श्री और बिंदु नामी आनंदो तो ये नाम और रूप वो भी वो तार देते हैं फॉर्म मैटर इसको वो तार देते हैं इसलिए अवतार आते हैं तभी तो अवतार को अवतार एक रिलीजियस कंसेप्ट नहीं है अगेन अगेन यू कैन टेक इट लाइक दैट ये एक फिलोसफिकल कंसेप्ट नहीं है ये एक एक्शन है तभी श्री कृष्ण गीता में तीन सीक्रेट्स बताते हैं उसमें से पहला सीक्रेट कौन सा है अवतार का सीक्रेट क्योंकि तब तक ये रिवील नहीं हुआ है वेदों में एटमोस्ट इसका हिंट है पर वेदों में बड़े जनरल फॉर्म में है कि भाई दैट वे इफ यू सी होल अर्थ हैज होल सृष्टि हैज कम आउट ऑफ हिम तो यू कैन पुट इट लाइक एवरी ह्यूमन सोल इज एन अवतार ऑफ द सुप्रीम दैट्स वेरी डिफरेंट वे टू लुक एट इट बट श्री कृष्ण तो स्ट्रेट कहते हैं प्रकृति माम स्वादिष्ट मैं अपनी ही प्रकृति पर प्रेस करके आता हूं देखिए यहां भी आता है ना परा प्रकृति उस दिन बाद डिवाइन मदर की हो रही थी मेरी प्रकृति उस पर मैं प्रेस करके मानव रूप धारण करता हूँ वो कहते हैं दिस वन ऑफ द सीक्रेट सेकेंड सीक्रेट इज दैट ही डिसाइड्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड ही बिकम्स ए लिविंग एग्जाम्पल एंड थर्ड ऑफ कोर्स द हाईएस्ट सीक्रेट इज सर्वधर्मान परित्यजा मामे खमशन जा तो भगवान का नाम लेके तर जाना रिडीम हो जाना ये एक सुपरस्टिशन uh, नहीं है ये एक एक्शन है माता जी एक जगह लिखती हैं रिडेम्पन बाय द ग्रेस एक पर इस पे रावण पे मेरी टॉक भी हुई थी बेल्जियम में की रिडेम्पन बाय द ग्रेस रावण की वो स्टोरी है तो माँ कहती हैं कि आने वाले समय में ये भविष्य में कैसे जोड़ती है कहती हैं कि मनुष्यता तीन लेयर्स में डिवाइड होने लगेगी जैसे बाली सुग्री हुआ था ना तो ऐसे तीन लेयर एक जो अपने को माइटी और वो समझते हैं लेकिन बड़े एरोगेंट हैं और परवर्टेड है रोगेंस ने उनको उनकी मानवीय मन की चेतना को पूरा परवर्ट ये परवर्शन नहीं है तो क्या है आप कोरोना लीज कर रहे हो वैक्सीन फोर्स कर रहे हो मतलब वो पहले आपकी तैयार है ये सारी वैक्सीन वार आप देखियो वाट हाउ टू तो वाट एक्सटेंट वन कैन बी परवर्ट की लोग मर जाए आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है तो ये जो परवर्टेड ह्यूमैनिटी है दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड मां की भविष्यवाणी है हैज इट नॉट स्टार्टेड जो इसके ओरिजिनल केंद्र है दूसरी चीज वो कहती है फिर एक ह्यूमैनिटी है जो एनिमल टाइप है पर मनुष्य बन गए पर एनिमल टाइप मतलब बुरा नहीं पर उनके जीवन में खाना पीना डेन अभी डेन बड़ा बड़ा हो गया है तीन मंजिला हो गया है लक्ष्य है जीवन का हमने अपना पक्का मकान बना लिया वॉट अ ग्रेट एम मतलब सुन के लगता है ये भी कोई एम है पांडे जी आपका घर बन गया होगा मेरे पापा कहते दो बच्चों को बड़ा कर दिया यही है मेरा घर और घर बनाने की बात मत करो ये मैंने बना दिए घर बना दिया लगता है साउंड करता है डैन बना लिया आपने अपना डेन को आप बड़ा करते रहिए नॉट दैट मेकिंग हाउस इज ए प्रॉब्लम बट मेकिंग हाउस इज द एम ऑफ लाइफ कि उसके बाद अब संतुष्ट हो जाए अपना घर बना लिया बड़ा अच्छा घर है उसमें कार भी एक बांध ली पहले गाय बांधते थे ना कार बांध ली <laughs> अरे हमारा बच्चा तो अमेरिका में है उसने तो हमको एक ड्राइवर ड्राइवर भी रख दिया बहुत बस क्लाउड दियाउड नाइनिटी तो जो बड़ी एनिमल यही तो एनिमल क्या करता है वो डैन बन गया खुश हो जाता है स्पैरो भी बनाती है दीमक भी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाते हैं बड़ी परफेक्शन से बनाते हैं हाँ एंड्स एंड उनकी कॉलोनीज होती हैं सोशलाइज करते हैं उठना बैठना होता है बड़े अच्छा बेटर ढंग से करते हैं शेयर करते हैं चीनी का दाना सबके साथ अकेले नहीं होते हैं हम तो तो सीखना चाहिए उनसे कुत्ते पैक ऑफ डॉग्स विल कम मोहल्ले में दूसरा आ गया बस देख लो खासकर अगर वो विदेशी ब्रीड आ गया उनके अंदर ये नहीं होता है वाइट सिंड्रोम <laughs> तो, तो कैसे आ गया अब वो जो आया है विदेशी ब्रीड वो एक और तो वो डर रहा है तो क्या करता है आप कभी यू ऑब्जर्व हिज एक्शंस यू लर्न ए लॉट हर चीज़ वन लर्न ए लॉट वो पहले वो कर रहा है वो अगर वो खूंखार है एल्सीशन आई हैव सीन डबर मैन लेकिन वो बीच बीच में अपने मालिक की ओर देख रहा है अब उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी कि ये जो है ना ये डिफरेंट है मेरा जो मालिक है ये ये टैकल कर लेगा बहुत कुछ है सीखने का इसमें भी पैक ऑफ वर्ल्ब बाय दी वे डब्ल्यू एच ओ में स्पिरिचुअल हेल्थ जो इंट्रोड्यूस हुआ था टर्म इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ था डॉक्टर बिस्त थे जिनको माने नाम दिया था माई फिजिशियन तो वो उस समय डब्लू एच ओ के जो भी होते हैं पता चेयरमैन प्रेसिडेंट समथिंग हाइएस्ट तो वो वहाँ पर उन्होंने कहा ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि इफ फिजिकल वाइटल मेंटल सोशल अगर यही क्राइटेरिया है के, तो ए पैक ऑफ वुल्व्स दे आर मेंटली अलर्ट सोशली वेल डिड फिजिकली एंड वाइटली स्ट्रांग तो क्या डिफरेंस है उनमें और ह्यूमन में तो ये डिबेट हुआ डिस्कशन हुआ उन्होंने कहा एक डायमेंशन है जो ह्यूमन में यूनिक है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन है एट सो इंट्रोड्यूस्ड सब डब्ल्यू एच ओ की ऑफिशियल डेफिनेशन में है वो अलग बात है डॉक्टरों ने उसको डिलीट मतलब ब्लॉट करके रखा है दे डोंट फॉलो इट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इट उनका फॉल्ट नहीं है एंड फार्मा लॉबी का वो एक अलग विषय है बट द पॉइंट इज़ कि ये इवोल्यूशन का कंसेप्ट जो भारत में है उसको पकड़ना उसका एक अंत, अंतिम बिंदु क्या है अंतिम बिंदु ये है कि हमने देखा फॉर्म का इवोल्यूशन उसके साथ कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स में एक लंबे समय तक कॉन्शियसनेस का ही इवोल्यूशन होता है फॉर्म भी चेंज करता है धीरे धीरे चेंज हो रहा है लेकिन वो बड़ा पालपेबल नहीं है ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी इज चेंजिंग वो एक अलग विषय है फाइनली फॉर इंस्टेंस गर्ल्स आर गेटिंग टॉलर वो एयरफोर्स के उसमें इंडक्ट करने लगे कॉकपिट चेंज करते थे पहले तो वो हो रहा है बट लास्ट में अब ह्यूमन इवोल्यूशन क्या होगा जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलप कर जाएगी एक पॉइंट पे जब वो अतिक्रमण कर रही है बट फॉर्म अडेप्ट नहीं कर पा रहा है तो वो फॉर्म चेंज करके प्रेसिपिटेट करेगी इन ए न्यू फॉर्म लेमार की जो अंडरस्टैंडिंग है इवोल्यूशन की इज ए ट्रूथ इन इट मड फिश कैसे इवॉल्व करती है अब अगेन शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग इन टू इट तो एक लंबे समय तक ह्यूमन कॉन्शियसनेस अपनी मेंटल लिमिट्स को अतिक्रमण करेगी ये शुरू हो गया है और वो अतिक्रमण अब बच्चों के अंदर ये शुरू हो गई ये प्रोसेस आई नो चिल्ड्रन एक तो बच्चा यहीं पर दो बच्चे तो मैं जानता हूँ कल एक और वॉक ले रहा था मेरे साथ कितनी अच्छी बातें बता रहा था आई नो टेन ईयर ओल्ड इलेवन ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन वो नॉट ओनली रीड सावित्री बट हैव है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सावित्री तो ये प्रोसेस शुरू हो गई है और बिकॉज उनकी चेतना चेंज होती जा रही है दे बिकम माइल एडेप्टिव दिस लिटिल बिट फॉर साइकोलॉजिस्ट तो क्या हो रहा है समाज में उनको एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट हो रही है उनको यह नहीं समझ आ रहा है कि वो कौन है कहाँ है और पेरेंट्स उनको कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इस कारण उनके अंदर बिहेवियर्स hmm. आ रहे हैं बिकॉज उनकी बात ना कोई समझ पा रहा है ना कोई पेरेंट्स कहते हैं क्या बकवास है तुम हा क्या चीज Maladaptive behavior इज Mal हम एडेप्टेशन किस सेंस में कहते हैं समाज के साथ आप गए पार्टी में आपको मजा नहीं आ रहा है आप किसी के साथ बैठ के वो जो कहते हैं ना बतियाना नहीं बतिया रहे हो आप अजीबोगरीब लग रहे हो आप वैसा इमोशनल एक जगह कनेक्ट नहीं कर पा लेकिन कहीं कहीं आपके इमोशंस पूरी तरह कनेक्ट हो रहे हैं तो ये जो मालेटिव बिहेवियर होता है कि भाई सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स को नचिकेता की तरह कह रहे हो डैड डोंट बी स्टूफिट बोलते हैं ना कई बच्चे पेरेंट्स बड़े घबरा जाते हैं मेरा बच्चा देखो आज के बच्चे जवान लड़ाते हैं हम तो सत्य की प्रतिमूर्ति हैं पेरेंट्स मतलब ऑलरेडी सर्टिफाइड वी आर फुल इन नॉलेज हाउ डेयर माय चाइल्ड टेल मी यू आर एन इडियट बात तो सही है चाहे वो हार्श लग रही है हर घर में नचिकेता आ गया है क्या है? हर घर में अब ये बच्चे बढ़ेंगे तो माल अडेप्टिव कहा जाएगा इनको क्योंकि अब वो माने कहा ना वर्ल्ड बेस्ड ऑन ट्रूथ रिफ्यूजिंग इट्स ओल्ड स्लेवरी टू फॉल्स तो ये बच्चों की एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हिपोक्रेसी नहीं पसंद है, तो है, तो है हाँ फिर अब आप देखोगे कि अब वो उनको ये नहीं पसंद है कि अरे बड़ा घर में आ गया उसके पाँव छूलो या दे डोंट लाइक ऑल दैट नॉन सेंस हाँ पर जहाँ ऑथेंटिसिटी है वहाँ वो वो अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनको हिपोक्रेसी नहीं पसंद है बाहर से आपने ड्रेस व्रेस बदल दी दे वॉच यू क्लोजली दे वॉच यूर पेरेंट्स देखिए काम रामायण से शुरू हो गया अब राम जी ने भी तो यही किया था राम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं लक्ष्मण जी मालूम है क्या कहते हैं राम जी को राम लक्ष्मण तो दोनों भगवान भैया हमारे आदर्श है ना एंड इफ यू नो वट लक्ष्मण राम द ऑर्डर इज पास बनवास लक्ष्मण कहते हैं सठिया गया है हमारा बाप इस, इसकी मती भ्रम हो गई है एक औरत के मोह में हमको इसको अब कैप्चर करके भैया राज्य आपको मिलना चाहिए क्योंकि धर्म तो यही है से इन रामायण वो ब्लाइंड ओबीडियंस की चीज नहीं है अब राम जब जस्टिफाई करते हैं वो ये नहीं कहते नहीं नहीं आखिर हमारे पिताजी हैं पूज नहीं है राम ये लॉजिक देते ही नहीं है राम की लॉजिक कुछ और है क्योंकि वो राज धर्म उसका वो करने आए वो ये नहीं कि मेरे पिताजी ने बोला है तो उस हिसाब से तो माता सीता को घर में रहना चाहिए था भरत क्या करते हैं तभी तो तुलसीदास जी की वो है ना कि बलि गुरु तजो विभीषण बंधु भरत महतारी जब विभीषण भाई को भाई से ठुकराया जाके आता है तो क्या राम जी सलाह देते हैं देख विभीषण हमारी संस्कृति में ऐसा है कि बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है तो चला जा अब ठीक है भैया गुस्सा हो गए <laughs> तुम्हें मार दिया अब इसको दिल पे मत लो दिल पे मत ले यार चला जा ठीक है आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट भैया है बड़े भैया है दैट्स नॉट अवर कल्चर हमारे कल्चर में फायर है ये डेड मैं कल्चर नहीं है कि नहीं नहीं सही गलत इसीलिए डावरी डेथ्स होती थी माँ बाप को कुछ कह नहीं पा रहे हो तो वी हैव टू अंडरस्टैंड भारतीय संस्कृति इज नॉट ए ब्लाइंड ओबीडियंस टू ट्रेडिशन एंड कस्टम हमेशा भारतीय संस्कृति में इवोल्यूशनरी धारा रही है एंड विद दैट आई विल क्लोज हाउ और इसी कारण ये सर्वाइव किया और इसी कारण इसका भविष्य है अब देखिए सनातन धर्म में एक तो अवतारों में इवोल्यूशनरी धारा रही है नरसिंह जी का एक टेम्पल है नरसिंह अवतार का एक आध किसी के एक्सपीरियंस पर आज लार्ज स्केल पे नरसिंह भगवान की पूजा नहीं होती है परशुराम की कहीं कहीं होती है लार्ज स्केल पर अभी भी राम की क्योंकि मैन ह्यूमनाइज हो रहा है <coughs> एक समय रहा होगा जब उन्हेंगो पूजा जाता रहा होगा बट दैट मोमेंट इज गॉन फिर आप देखिए कि इवोल्यूशन हमारी किताबों में भी है हमारे यहां इसीलिए एक किताब नहीं है एक व्यक्ति नहीं है कैसे चार वेद हैं पहले तो तीन थे पहले तो तीन ही वेद थे रिग साम ये जो रहा कुछ उपनिषदों में भी इन तीनों का नाम है फिर अथर आ गया क्यों आ गया वो एक अपनी कहानी आई एम नॉट गेटिंग इन टू इट वो बाद में आया ओके टू स्टार्ट विद फिर उससे निकल के ब्रांचेज आई आयुर्वेद आया अब लोग कहने लगे ये उपवेद है बट दैट्स नॉट द राइट वे टू इट उसी नॉलेज को बेस बना के वो इवॉल्व करती है डेवलप करती है अलग अलग डायरेक्शन में है। उससे फिर शास्त्र निकले विमान शास्त्र निकला पुष्प आयुर्वेद निकला बहुत सारी चीजें निकली विदाउट गोइंग इन इट लेकिन उसमें भी आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है वेद से कल आउट करके वेद के ज्ञान कांड को लेके उपनिषद आते हैं लेकिन जब श्री कृष्ण आते हैं उसमें एक नई चीज जोड़ देते हैं ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंड वेद उपनिषद का एक लोग कहते हैं ना कि वो उपनिषद गाये हैं और श्री कृष्ण दोहरे हैं और वो दूध उन्होंने दे दिया नॉट एज सिंपल एज दैट श्री कृष्ण के आने से डिवोशनल एलिमेंट एंड वर्शिप वर्शिप नहीं डिवोशनल एलिमेंट ये श्री कृष्ण के आने से गिफ्ट होता है उसके पहले मेडिटेशन एंड वर्शिप है नॉट द डिवोशनल एलिमेंट क्या किया उन्होंने नई चीज जोड़ी तो ये जो हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की जो ब्यूटी है ये इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करती है समाज में बहुत सारी चीजें थी जो एक समय वैलिड थी इनवैलिड हो गई बाहर की चीजें टूट जाएंगी बेस सेम रहेगा तो कैसे श्री कृष्ण भी करते हैं ना ऐसी बड़ी रिवोल्यूशनरी चीजें जय श्री राम करते हैं एक पत्नी व्रत इत्यादि इत्यादि एंड ही हीट से हाई स्टैंडर्ड श्री कृष्ण करते हैं कौन सी गोवर्धन पर्वत इंद्र की पूजा क्यों करते हो मैटर ये तुमको दे रहा है मदर अर्थ आप इसकी पूजा करो रेस्ट वी नो द स्टोरी हाउ ही टॉपज द थ्रोन ऑफ द टायरेंट नेशनलिज्म, सोशलिज्म ये सब इफ आई गेट इनटू इट इट बी एंडलेस वो सारी चीजें बीज रूप में और उसको वो डेवलप करते हैं अलग अलग लेवल पे श्री कृष्ण का सोशलिज्म क्या है मक्खन वाड़ देते हैं राम जी का सोशलिज्म क्या है घणिका जामिल ब्याद गिदाद कल तारे बना एसेंस सबके अंदर एक है लेकिन उनका सोशलिज्म या उनका जो ये सेंस है ऑफ शेयरिंग ये ये नहीं है कि अगर रावण की मृत्यु होनी है तो होनी है क्योंकि वो अधर्म का धर्म और अधर्म का बहुत स्ट्रांग सेंस रहा है एक धारा बही है पर वो धर्म बाहर फिक्स्ड नहीं है धर्म का मूल स्वरूप अंदर में वो अध्यात्म है दिव्य है तो अब अगर धर्म की अगर एक जनरल सेंस में कहना लोग कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज धर्म व्हाट इज अ धर्म ये सही होगा गलत होगा सही गलत नहीं है धर्म इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग इट इज ए क्रिश्चियन कंसेप्ट एंड एन इस्लामिक कंसेप्ट एंड ए जूस कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग क्यों राइट एंड रॉन्ग इज फिक्सड फॉर ऑल टाइम्स गॉड नोज वाई दाउ शेल्ट नॉट किल दाउ शेल्ट नॉट डू दिस दाउ शेल्ट अब वो दाउ शेल्ट नॉट पत्थर की लकीर हो गया धर्म क्या है धर्म इज एन इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल एज यू इवॉल्व क्षत्रिय का धर्म अलग है वैश्य का धर्म अलग है ब्राह्मण का धर्म अलग है एक स्पिरिचुअल बींग का धर्म अलग है वो जैसे जैसे आप इवॉल्व करते हो सो वॉट इज द कोर ऑफ धर्म अगर कोई पूछे कि भाई आज हम कैसे प्रैक्टिस करें थ्योरी रहने दीजिए हम वेजिटेरियन खाएं नॉन वेजिटेरियन खाएं ये करें वो करें कौन सा कर्मकांड करें जो भी आपको आपके मूल स्त्रोत की तरफ ले जाए लेस टेक्निकल लैंग्वेज डिवाइन की ओर ले जाए वो धर्म है जो उसको वेल करे वो अधर्म है तो मीराबाई ने जब अपने पति को त्यागा संस्कृति को त्यागा माय oh गॉड क्या वो अधर्म कर रही थी नहीं बुद्ध ने जब उस परस्यूट में कि संसार में पीड़ा क्यों है साइंटिस्ट आई वांट अ सॉल्यूशन सबके लिए और वो यशोधरा और रोहित को छोड़ के चले गए क्या वो अधर्म था नहीं वो धर्म है लेकिन यदि कोई और व्यक्ति पैसे कमाने के लिए छोड़ के चला जाए या दूसरे किसी व्यक्ति के लिए छोड़ के चला जाए तो वो अधर्म होगा क्यों क्योंकि वो डिजायर सेल्फ से मूव्ड हुआ है और जो डिजायर है वो हमारे भगवान के बीच में एक दीवार लाता है ईगो हमारे भगवान के बीच में दीवार लाता है जब श्री राम रावण से युद्ध करते हैं तो वो ईगो युद्ध नहीं है तो जानता नहीं है रावण किसको तूने टच किया है श्रीराम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं वो बार बार कहते तो अधर्म के मार्ग पर है। चेंज हो जा रावण कहता है डोंट यू नो हु आई एम तो रावण वेल पे वेल लाता जाता है तो अब देखो धर्म क्या है जो हमको अपने ही अंदर डिवाइन एलिमेंट से जोड़े अब किसी के लिए अंदर जाना कठिन है वो मंदिर जाता है ऑल राइट right, हम ये नहीं कहते कि मंदिर मस्जिद तोड़ दो बुद्ध सिकन बज जाओ नो फॉर सम पीपल इट वर्क्स कोई मेडिटेशन रॉक पे जाके बैठ जाता है कहता है मुझे तो यहां मजा आ रहा है कनेक्ट हो रहा हूं कोई रिट्रीट ले लेता है कोई कोई बुक पढ़ता है उससे उसको अंदर में बेटर कनेक्शन होता है बहुत तरह के तरीके हैं सो वट एवर हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद योर इनर ट्रूथ वट एवर यू टू कनेक्ट विद योर ओन डीपर स्पिरिचुअल सेल्फ ये नाम में नहीं अटकना चाहिए सर स्पिरिचुअल क्या है डिवाइन क्या है राइट नाउ एम नॉट गेटिंग इन टू इट दो वी कैन गेट इन टू इट इफ दी दैट इज धर्म बिल्कुल अधर्म किया उन्होंने भेज पितामा अब देखिए धर्म को पालन करने के लिए बहुत प्लास्टिसिटी चाहिए आपके अंदर क्यों क्योंकि एज यू आर इवॉल्विंग धर्म इज इवॉल्विंग फील्ड ऑफ इवॉल्विंग धर्म यू कांट मेक ए प्रिंसिपल फॉर ऑल टाइम्स आई विल ऑलवेज ओवे माय पेरेंट्स इट्स अ गुड थिंग व्हेन यू आर ए चाइल्ड इट्स अ गुड इवन वेन यू आर ग्रोन अप बट इफ द पेरेंट्स आर सेंग समथिंग विच इज नॉट द राइट थिंग यू हैव टू क्योंकि वो समाज में भी यही चीज अप्लाई करती है समाज का एक्शन आपका कैसा होगा जो आपको जो समाज आपको आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन और डिवाइन उसके करीब ले जा रहा है दैट इज वॉट इज टू बी एनकरेज अब देखिए जहां इवोल्यूशन नहीं है वहां क्या हुआ है इस्लाम मे बी इट स्टार्टेड इन ए नाइस वे आई हैश्यू अबाउट कैसे शुरू हुआ मोहम्मद जी योगी रहे होंगे ऑल दिस इज फाइन बट इट गॉट स्टक इन ए टाइम फ्रेम जो चीज एक समय वैलिड रही होगी नेचुरली अब बर्बरता के जगह पर जहां सब लोग हिंसक पशु जैसे हों औरतों को बुरका पहना देना समझ आता है लेकिन अब भैया टाइम्स हैव चेंज यू जस्ट कांट स्टार्ट स्नैचिंग वुमेन ऑन द रोड टाइम्स हैव चेंज अब तो उतार दो ना थोड़ा उनको भी तो दुनिया खुल के देखने दो दैट्स हाउ इट बिकम ना क्रिश्चियनिटी में इवोल्यूशन हुआ कुछ हद तक एटलीस्ट ह्यूमन बींगस इवॉल्व क्रिस्चानिटी डेंट इवॉल्व क्योंकि वो एक किताब एक व्यक्ति एक किताब एक व्यक्ति पर हमारे यहाँ क्या हुआ ग्रंथ जुड़ते चले गए जुड़ते चले गए जुड़ते चले गए वो भी एक्सेप्ट किया वॉट एवर ब्रॉड इन समथिंग न्यू उसी में तंत्र भी आया समथिंग न्यू तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया इंटीग्रेट किया तंत्र की अपनी कहानी है विल बी टेकिंग दैट So, ये इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को हमको ध्यान रखना है और उससे हमको धर्म को देखना है तो प्लास्टिसिटी बीष पितामा ने क्या किया ठीक है उन्होंने एक समय बड़ी प्रॉमिस करी मैं पहले तो वही चीज गलत है उसमें क्या एक ईगो है ईगो कैसी है देखो मैंने अपने पिता के लिए कुर्बान किया दिस यूर जस्ट ट्राइंग टू बी मार्टिर धर्म में रिक्वायर दैट यू पिकअप दर्म्स ट्रैंग टू बी ए मार्ट राम ने ऐसा नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं लेकिन मैं नहीं उन्होंने किसी और कारण से राज्य को त्यागा लेकिन जब वापस आए तो स्वीकार करते हैं तो भीष्म ने अपने पिता की डिजायर को संतुष्ट करने के लिए प्रतिज्ञा कर दी ठीक है एवरी प्रतिज्ञा हैज इट्स महत्व बट इट्स टॉप देयर केवल और केवल अपने पिता की डिजायर को और उसमें एक और उनकी डिजायर के कारण दूसरी और अपना ये टू इफ आई मे यूज द वर्ड टू शो कि देखो मैं कितना दृढ़ प्रतिज्ञ हूं कितने कांड किए इंक्लूडिंग अम्बा अंबिका अंबालिका अब वो कह रही है अच्छा तुमने जीता है शादी कर लो ये अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है मैंने तो प्रतिज्ञा की है तो कहते तुमने कौन कर क्यों किया यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग यू ऑट नॉट नहीं मैंने तो अपने भाइये हैं भैया है ना मेरा कजिन ब्रदर उसके लिए किया ये स्टोरी है ना अंबामिका बालिका की वीनो रेस्ट इज हिस्ट्री कब भीष्म को ये ज्ञान होता है कि ही हैज डन समथिंग विच हैज फॉलोड द पाथ ऑफ अधर्म क्योंकि अदरवाइज वो ज्ञानी थे तो एक सीन आता है टाइम आता है जब भीष्म इतना भयंकर प्रहार करते हैं ही वॉन्ट्स टू सी कि श्री कृष्ण क्या करेंगे आई विल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अर्जुन टू इवन सर्वाइव एंड इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट वो तो वो डेलिबरेटली नहीं कर रहे थे बिकॉज उन्होंने कहा था मैं इतने सैनिक मारूंगा ये पांच पांडवों को नहीं मारूंगा हालांकि बाय द वे इफ अर्जुन अर्जुन के बारे में स्वयं परशुराम ने कहा था कि ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बीस द्रोणा अर्जुन इज द बेस्ट ही एर डिक्लेयर्ड बट वो एक अलग बात है ही ट्राइड इज बेस्ट और अर्जुन के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था भाई मेरे दादाजी हैं बड़ा हुआ उनकी गोदी में तो एक टाइम आता है जब अर्जुन हेल्पलेस हो जाते हैं एंड ही इज द काइंड टू विल से मर जाता हूँ यार क्यों इनके साथ में पशुपति अस्त्र का इस्तेमाल करो उस समय श्री कृष्ण फाइट में आ जाते हैं सीधा नहीं वो मान जाते हैं प्रणाम मेरी तो ये था जैसे बी आर चोपड़ा जी ने तो बड़े मैं तो यही चाहता था आप अपना प्रॉमिस तोड़ दो प्रॉमिस तो उन्होंने तोड़ दी पर भीष्म इन द फ्लो ऑफ द मोमेंट

कि देखो अब मैं क्या करूँ मैं तो बदलूंगा नहीं तो मैं रहस्य बता देता हूं ऐसे मार देना मुझे मैं कुछ नहीं करूंगा एंड व्हाई कृष्णा एक्सेप्ट्स इट बिकॉज इट इज द कॉल ऑफ धर्मा फॉर भीष्मी फॉर भीष्म कोई भी व्यक्ति जब अधर्म उनके जीवन को आप देखिए ना हमेशा बेचारे प्रॉब्लम में ही रहे कंफ्लिक्ट में रहे क्योंकि वो चाहते तो हैं इज एज मैन हु पर उनकी सुई अटक गई अपनी है अपनी प्रतिज्ञा पर राज्य से बंद जाते हैं सो ही फॉलोड ए पाथ ऑफ अ धर्मा इवन दैट्स वाई बिकॉज ही वॉज ऑलवेज लिविंग इन दैट टेक्निकलिटी द्रौपदी का अच्छी होता है तो द्रौपदी पूछती हैं कहती ना वो कि धर्म रक्षा करेगा सबसे मत लिया जाता है तो भीष्म तो हाँ हूँ टेक्निकली यस इट शुड नॉट बी डन बट बेसिकली गोइंग बाय द वो जैसे कहते हैं ना वो वकील विदुर का भी यही हाल होता है बिकॉज नन ऑफ देम अंडरस्टूड धर्म तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म जो है वो बहुत सूक्ष्म है उसमें एक इन्फिनिट प्लास्टिसिटी है ट्रूथ के बारे में माँ कहती है ट्रूथ इज प्लास्टिक वो ट्रूथ ऐसा नहीं होता कि अभी के लिए बोल दिया ऑल टाइम्स के लिए हो गया और जीवन में भी होता है ना बच्चे के ऊपर जो अप्लाई करता है वो बड़ों पे थोड़ी अप्लाई होता है तो भीष्म कर्ण द्रोण दे वर ऑल ऑन द साइड ऑफ अ धर्म एंड दिस वे दैट वे उनका जाना पांडवों के लिए अच्छा था धर्म रा, राज्य के लिए अच्छा था वो तो बाद की बात है उनके लिए अच्छा था क्योंकि हाउ मच दे देर सफरिंग इन साइड द सोल वॉज सफरिंग बिकॉज इट हैड टेकन दैट पाथ दैट्स है टच ऑफ महाभारत महाभारत इज ऑल अबाउट धर्म जो महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो कुछ महाभारत में नहीं है वॉट एवर इज नॉट इन दिस भारत इज नॉट इन भारत और बिफोर आई क्लोज जस्ट टू सेट अब साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी आते थे ये तो है पूजा तो बैठी हुई है और भी सब कांटेक्ट में तो जब कोई पूछता था कभी भी कि साइकोलॉजी की हम कौन सी बुक पढ़ें तो माय वन पॉइंट आंसर वाज महाभारत सर वो तो इतिहास है हाँ इतिहास है सारे ह्यूमन नेचर के सारे शेड्स हैं कैसे कैसे आपकी जर्नी है हाउ टू मेक योर चॉइसेस है सबसे बड़ी बात तो ये है गीता इज ऑल अबाउट दैट कंफ्लिक्ट ऑफ टू डिफरेंट वैल्यूज एंड ये कंफ्लिक्ट बड़ी भयानक होती है right. अर्जुन का शस्त्र डालना भी जस्टिफाई किया जा सकता है फ्रॉम द शास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू और अर्जुन क्या युद्ध भी जस्टिफाई टू डिफेंड बट श्री कृष्ण क्या कहते हैं कहते हैं अब समय आ गया है टू टेक द नेक्स्ट स्टेप और तब वो बताते हैं वट इज धर्म जब ये दो लेवल पे कंफ्लिक्ट होती है तो वो ये नहीं कहते हैं प्रैक्टिस नॉन वायलेंट बिकम वायलेंट वो कहते हैं टेक द हायर पॉइस एंड ओबे दिल ऑफ गॉड एंड कहते क्या विल है मुझे तो नहीं पता है तो पहले तो मेथड बताते हैं हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट दिल ऑफ द डिवाइन टू फॉलो द विल ऑफ द डिवाइन इज धर्मा एंड दिल इज नॉट फिक्स्ड इट इज देयर इन द हार्ट फर्स्ट इज सुधर्मा दे when you even surrender that sarv dharman paritya then it manifests to fir wo kehte i don't know what is the will of god who are you talking all these things tab wo kehte i'll tell you what is the will of god और उनका विश्व रूप का दर्शन होता है तब वो कहते हैं अपनी विल बताते हैं क्या विल है कालोस्मी क्या करने आए लोक प्रवृत्त हो आई हैव रिजन टू डिस्ट्रॉय दीस पीपल अब ये दीस पीपल दोनों तरफ के हैं तो ये विल है सो विल कैन नॉट बी पुट इन टू वायलेंस नॉन वायलेंस ये नहीं कह रहे हैं ऑलवेज बी वायलेंट शस्त्र धनुष बाण लेके कृपाण रख के चलो जो दिख जाए तुम्हें अपोज करे मार डालो ये नहीं कह रहे वो वो एक कंटेक्स्ट है ज ए टाइम वेन द कलेक्टिव धर्म और लाइफ ऑफ ए सोसाइटी इज इन डेंजर आज के कंटेक्स में अगर देखें तो देर आर सर्टेन रिलीजन और सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी हुई थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैन काइंड यू हैव टू स्पीक अप जैसे कि आई एम ए लिबरल आई एम ए नॉन क्या बोलते सेक्युलर नॉन सेक्यू यू मे बी लेबल डजेंट मैटर श्री कृष्ण को लोगों ने लेबल किया लेकिन अगर समाज डेंजर में है आप अपनी चीज को चुपचाप प्रैक्टिस करते हो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप समाज और संस्कृति मानव विकास के लिए घातक है और मैं इसको बड़े ओपनली आई लाइक टू से वेरी ओपनली लास्ट बिटाइल से एक सभ्यता एक संस्कृति है जो नारी को स्लेव मानती है गुलाम मानती है और साथ में उसको ऊपर से नीचे तक ढकके क्योंकि चोर दृष्टि जिसकी नजर में चोर दृष्टि होती है ना वो ऐसी करता है जो ये मानती है कि अगर आप कुछ भी बोलोगे तो हम आपका सर काटने की वो रखते हैं एक और ऐसी संस्कृति है दूसरी ओर एक शुभ्र धवल संस्कृति है जो स्वयं को ही रिफॉर्म करती जाती है ऐसा नहीं हमारे यहाँ पर्दा था बट हमने रिफॉर्म कर लिया एक एरिया में था वी रियलाइज कि दिस नॉट समथिंग विच लोग सती प्रथा की बात करते हैं इट इज़ नॉट ट्रू द वे इट इज प्रेजेंटेड बट स्टिल लेट्स से कि ओके थी वी हैव रिफॉर्म्ड इट डाउरीज वी हैव रिफॉर्मड इट सो एक संस्कृति है जो इवोल्यूशन में विश्वास करती है जो इवोल्व करने में विश्वास करती है क्यों क्योंकि उसने मूल को पकड़ा है मूल चीज़ यह नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हो वो कंटेक्चुअल चीज़ें हैं मूल है इवोल्व करना एक संस्कृति है जो नारी को आ, कहती है कि भाई औरत को तो बनाया ही गया है हमारी दासी या हमारी जो भी आई कंटी स्पीक दैट प्लेजर के लिए यहाँ भी और वहाँ भी उसका काम एक ही है प्लेजर देना और एक संस्कृति कहती है कि नारी तू नारायणी देवी है अगर इन दोनों संस्कृतियों में टकराव होगा तो होम शुड वन बी विथ इवन ए फूल कैन answer इट बट liberals can't वाई बिकॉज ऑल आर सेम ऑल आर इक्वल एवरीथिंग इज फाइन बट इफ यू अंडरस्टैंड धर्म दे विल नेवर बी ए dilemma अबाउट बाउट बींगबल्ड सिक्युलर और राइट और रॉन्ग ये कोई ब्लैंकेट ये नहीं बट अगर संस्कृतियों का टकराव होता है सिविलाइजेशनल क्लैश जो महाभारत के समय में हुआ था टू क्लोज विद दैट एक और दुर्योधन की तरह के सभ्यता जहां नारी को निर्वस्त्र किया जा सकता है जहां नारी का अपमान हो रहा है जहां महत्वाकांक्षाओं का एक अंबार है जिसमें भाई को मार डालो कोई फर्क नहीं पड़ता यही तो ट्राई किया था ना में उसने जहां धूर्तता से कैसे भी टू विन इज ऑल दैट मैटर और वहां दूसरी ओर एक सभ्यता जो धर्म के आधार पर वट डिट श्री कृष्णा टू चूज दैट विच ओपन द रोड टू रिवॉल्यूशन ये नहीं कि सारे पांडव दूध के धुले थे नो बडी सींग दैट ये मॉरल राइट और रॉन्ग में ये कंफ्यूजन होता है चाहे ये क्या गलत नहीं है दैट्स नॉट द इशू सब जगह सब तरह के लोग हैं प्रॉब्लम है कि अगर ये आते हैं तो एक इवोल्यूशन का मार्ग खुला रहेगा और यहां पे बंद हो जाएगा तो धरती के लिए समाज के लिए संसार के लिए व्यक्ति के लिए हमको विकास का मार्ग खुला रखना है सो दैट इज हाउ वी बी वेरी सिंपल डायरेक्ट एंड स्ट्रेट एंड टी ब्रेक